हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप तिवारी पंकज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अवध कंप्यूटर ज्ञान में। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम आपको फार्म मेनू के अंतर्गत ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स के बारे में बताने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने राइटर को ओपन करते हैं। राइटर ओपन करने के लिए हम टास्क बार में राइटर के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहां पर राइटर हमारा ओपन हो चुका है और सबसे पहले हम अपना नोट्स ओपन कर लेते हैं। नोट्स हमारा ओपन हो चुका है। ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चेक बॉक्स और ऑप्शन बटन का प्रयोग कहां पे किया जाएगा। दोस्तों, जब आपको कई विकल्पों में से केवल एक का चयन करना हो तो आप वहां पे ऑप्शन बटन का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको एक फॉर्म दिया गया और जिसमें आपको जेंडर सेलेक्ट करना है तो जेंडर में मेल या फीमेल में से कोई एक ही सेलेक्ट करना होता है तो वहां पर आप ऑप्शन बटन का प्रयोग करेंगे। या आपको कैटेगरी दिया गया कि जनरल ओबीसी एससी एसटी में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो वहां भी आप ऑप्शन बटन का प्रयोग करके जनरल ओबीसी एससी एसटी को बनाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखें तो चेक बॉक्स का प्रयोग फॉर्म में चेक बॉक्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है और ऑप्शन बटन का प्रयोग भी ऑप्शन बटन इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो यहां पर हमने एक नया डॉक्यूमेंट लिया है और यहां पर हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे जिसमें हमने पहले आपको कुछ ऑप्शन के बारे में बता दिया है, लेकिन हम फिर से जो है उस चीज को दोहराते हैं जिससे आपको पुनः रिवीजन हो जाए और साथ ही इसी फॉर्म में आपको हम ऑप्शन बटन और चेक बॉक्स बनाकर भी दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे और इसके लिए हम फॉर्म मेनू में जाएंगे, लेबल पर क्लिक करेंगे। हम लेबल को ड्रैग कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे। लेबल फील्ड को हम चेंज करते हैं, यहां पर हम स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म नाम देते हैं इसको। और इसके साथ ही हम यहां पे नीचे जाएंगे फॉन्ट में, इसको हम बोल्ड करेंगे, साइज इसकी हम 22 कर देते हैं, ओके करेंगे। बैकग्राउंड इसमें हम चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको येलो कर देते हैं। ये अभी विदाउट फ्रेम है, इसमें हम फ्रेम लगाना चाहते हैं तो हम यहां पे फ्लैट फ्रेम ले लेते हैं। साथ ही हम इसमें टेक्स्ट कलर को भी चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए हमको पुनः फॉन्ट में क्लिक करना होगा और यहां पर फॉन्ट इफेक्ट पे जाके हम यहां से रेड कलर ले लेते हैं, ओके करेंगे। तो ये हमारा ऊपर का एक लेबल कंप्लीट है, लेकिन अभी भी हमारा जो टेक्स्ट है ये जो है लेफ्ट लाइन है, हम इसको सेंटर में चाहते हैं तो इसके लिए डबल क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। यहां पे अभी आप देखें अलाइनमेंट लेफ्ट है, हम इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये लेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पुनः फॉर्म पर जाएंगे और एक लेबल लेंगे नेम का, डबल क्लिक करेंगे और इसमें और भी फॉर्मेटिंग करनी है, हमको बोल्ड करना है, साइज भी बड़ा करना है, लेकिन हम यहां पे इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हम एक साथ सबको सिलेक्ट करके बोल्ड और साइज चेंज करेंगे। नेम को इनपुट लेने के लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इस पर भी हम डबल क्लिक करते हैं और यहां पर इसका बॉर्डर हम पहले फ्लैट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसमें हम थोड़ा सा देते हैं, ये हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसमें। इसमें भी जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कैसे फॉन्ट में होगा, बोल्ड होगा, साइज क्या होगा, ये भी सेट करना है, लेकिन हम एक साथ ये सारा कुछ सेट करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। यहां पे हम पुनः फॉर्म में जाएंगे और एक लेबल लेंगे, यहां पर एक रोल नंबर का हम ले लेते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे, यहां पे हम रोल नंबर टाइप कर देंगे और क्लोज कर देंगे। यहां पे रोल नंबर का एक लेबल आ गया है। रोल नंबर इनपुट कराने के लिए हम जो है यहां पे फॉर्म में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, हम डबल क्लिक करेंगे और पुनः बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर फ्लैट कर देंगे, ओके करेंगे। तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम और फील्ड ले लेते हैं। अगला हम जेंडर का लेंगे, फॉर्म में जाएंगे और लेबल लेंगे जेंडर का, डबल क्लिक करेंगे, यहां पे इसको रीनेम करेंगे,
जेंडर टाइप करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो जेंडर का लेवल यहाँ पे हो गया है। अब दोस्तों जेंडर जो है, जेंडर में हम ऑप्शन देंगे, ऑप्शन हमारे पास दो होगा जिसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम ऑप्शन बटन का प्रयोग करेंगे। तो हम ऑप्शन बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्म पे जाएंगे और ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आके हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन बटन का एक बॉक्स यहाँ पे आया है। अब इसको रीनेम करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, लेबल में जाके ऑप्शन बटन को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, मेल लिख देते हैं। अब नीचे आएंगे इसमें हम, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो ऑप्शन बटन है वो एक सीधाई में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो हम इसको कर देंगे टॉप पे। देखिए ऊपर ये हो गया है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो मेल है वो थोड़ा नीचे आए, तो इसके लिए क्या करना है, इसको हमको वाई पोजिशन को चेंज करना है। हम इसको थोड़ा कम करेंगे, क्लोज करेंगे, देखते हैं। तो मेल हमारा अब सामने है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो जेंडर की पेछा ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। हम चाहते हैं कि ये बीच में आए, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और पुनः हम यहां पे वाई पोजीशन पे जाएंगे और वाई पोजीशन को थोड़ा हम फिर कम कर देते हैं, क्लोज करते हैं। अब आप देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो हमारा मेल का हो गया। ऐसे ही हम फीमेल का ले लेते हैं। इसके लिए भी हमको फॉर्म में जाना है, ऑप्शन बटन पे क्लिक करेंगे और एक हम पुनः ड्रैग करते हैं फीमेल के लिए, डबल क्लिक करेंगे, यहां पे हम टाइप कर देंगे फीमेल और पुनः नीचे जाएंगे। इसका अलाइनमेंट जो होगा वर्टिकल अलाइनमेंट, इसको हम टॉप कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। पुनः हम लेबल पर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहां पे फादर्स नेम का हम लेबल बनाएंगे और हम क्लोज कर देंगे। फादर नेम इनपुट लेने के लिए हमको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है। ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया। ऐसे ही मदर्स नेम के लिए हम एक लेबल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्लोज करेंगे और मदर नेम इनपुट कराने के लिए हमको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अब यहां पे देखिए हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन इसमें हमने फॉर्मेटिंग नहीं किया, यानी हम इसमें कलर वगैरह नहीं किए, इसका बॉर्डर नहीं चेंज किए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट करके एक साथ भी कर सकते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहां पे हम नीचे जाएं तो यहां पे बैकग्राउंड कलर हम यहां से चेंज कर देते हैं। साथ ही इसका जो 3D लुक है इसको हम फ्लैट कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। तो आप देखें एक साथ भी चेंज हो गया। ऐसे ही अगर यहां पे जो हमारे लेबल हैं इनको भी अगर हमको चेंज करना है, तो हम शिफ्ट के साथ ये सारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट में जाएंगे, यहां पे हम बोल्ड करेंगे, साइज हम कर देते हैं इसका 12 और ओके करेंगे। तो अब आप देखें एक साथ ही सबका जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग करें, या आप एक साथ में जो है चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही हम एड्रेस का एक लेते हैं लेबल, डबल क्लिक करेंगे, यहां पे एड्रेस टाइप कर देंगे। एड्रेस इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म में जाएंगे और एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहां पे एड्रेस का टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। एड्रेस में अगर आप पिन कोड चाहते हैं तो आप एक लेबल और ले लीजिए पिन कोड का, हम डबल क्लिक करेंगे, यहां पे पिन कोड टाइप कर देंगे और क्लोज कर देते हैं। पिन कोड
इनपुट कराने के लिए हमको क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। टेक्स्ट बॉक्स लेकर इसमें हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ओपन होगा और इसमें हम एक लिमिटेशन लगा देते हैं कि हमारा जो पिन कोड होगा वो मात्र 6 अंक का होगा। तो यहां पे हम मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ यहां पे डाल देते हैं जिससे कोई ज्यादा ना डाल सके इसमें, और इसके बाद क्लोज कर देते हैं। हम एक स्टेट का बनाएंगे लेबल, तो फार्म में जाएंगे, लेबल पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहां पे हम स्टेट टाइप कर देंगे। तो ये स्टेट हम नीचे कर देते हैं, ऊपर हम चाहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट का हो। तो इसके लिए हम पुनः फार्म में जाएंगे और लेबल पर क्लिक करेंगे, एक लेबल लिए हम यहां पे डबल क्लिक करके इसको हम रीनेम कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट, और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट इनपुट कराने के लिए हमको क्या करना है, हम यहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ऐसे ही हम स्टेट के लिए भी ले लेते हैं। ये हो गया। मोबाइल नंबर के लिए एक लेबल लेंगे, मोबाइल टाइप कर देंगे, क्लोज करेंगे। इनपुट कराने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स, ये हो गया। ऐसे ही अब हम नीचे एक कैटेगरी का बनाएंगे, तो हम पुनः फार्म में जाएंगे, एक लेबल लेंगे, ड्रैग करेंगे, डबल क्लिक, कैटेगरीज, और कैटेगरीज हमारा ऑप्शन में होगा, हम 4 या 5 ऑप्शन देंगे, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम फार्म में जाएंगे और ऑप्शन बटन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हम ड्रैग कर देते हैं, और एक एक को हम डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं। यहां पे हम जनरल दे दिए, और इसको हम क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट इसका हम कर देते हैं टॉप, और ये थोड़ा सा ऊपर है। इसके लिए हमको क्या करना है, वाई अलाइनमेंट में आना है, और इसको हम बढ़ा के देखेंगे, थोड़ा और डबल क्लिक करके वाई अलाइनमेंट को, वाई पोजीशन को बढ़ाते हैं थोड़ा। अब ये हमारे कैटेगरी के सामने आ चुका है। ऐसे हम इस पे करते हैं, इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं पहले ओबीसी, और वर्टिकल अलाइनमेंट इसका टॉप, और वाई पोजीशन इसका बढ़ा देते हैं हम, और ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको हम दे देते हैं SC, क्लोज करते हैं। इसको हम क्लिक करके ST, क्लोज करते हैं। ऐसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे अदर, क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हमारा कैटेगरी बन गया है ऑप्शन बटन के माध्यम से। इसके बाद हम एक लेबल और लेंगे लास्ट क्वालिफिकेशन का, हमने ड्रैग किया, डबल क्लिक किया, लास्ट क्वालिफिकेशन, और हम क्लोज कर देते हैं। अब लास्ट क्वालिफिकेशन में हम चाहते हैं कि एक से अधिक ऑप्शन चूज करें, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हम चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहां पर ड्रैग करेंगे। अब यहां पे आप जितने ऑप्शन देना चाहें वो आप ड्रैग कर सकते हैं। तो यहां पे हमने 5 ऑप्शन लिए हैं। अब सभी को हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। हम इसको कर देंगे 10th, क्लोज करेंगे, इसको कर देंगे 12th, इसको कर देंगे हम ग्रेजुएट,
या इसको हम कर देते हैं यूजी, इसको हम कर देंगे पीजी और इसको हम कर देंगे अदर। ये हो गया हमारा, इसको हम क्लोज करते हैं। हम इसको थोड़ा नजदीक कर देते हैं। अब ये जो आपका लास्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें अगर आपका मान लीजिए यूजी है तो इसमें एक से अधिक आप चूज करना चाहें तो आप यहां पे 10th भी चूज कर सकते हैं, यहां पे आप 12th भी चूज कर सकते हैं और यूजी यानी एक से अधिक को भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चेकबॉक्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने आपको ऑप्शन बटन, जैसा कि हमने जेंडर में बताया और कैटेगरी में बताया और लास्ट क्वालिफिकेशन में हमने आपको चेक बॉक्स बना के दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले हम बॉक्स को जो है फॉर्मेट करते हैं। इसके लिए हम शिफ्ट की दबाएंगे, एक साथ इनको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज। यहां पे हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा, हम बैकग्राउंड कलर लेते हैं। हम फॉन्ट में जाके, फॉन्ट को हम बोल्ड चाहते हैं इसमें इनपुट लेना तो बोल्ड लिख करेंगे, साइज इसकी हम 12 करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही हम ये जो एड्रेस जो लेबल है हमारा, इसको भी हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। और राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, यहां भी हम इसको बोल्ड और 12 कर देंगे, ओके करेंगे। अब आप देखें तो यहां पे हमारा बोल्ड हो गया है, कुछ छूट गया है जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी हम राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फॉन्ट पे जाएंगे और यहां से हम इसको भी कर देंगे बोल्ड और 12, ओके करेंगे। तो ये हमारा एक फॉर्म का लेआउट बन चुका है। अभी इसमें हमको पुश बटन भी बनाना है जो हम अगले ट्यूटोरियल में बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, डिजाइन मोड को ऑफ करते हैं और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे आप जो भी नाम देना चाहें वो नाम आप टाइप कर सकते हैं। ऐसे हमको चूज करना हो तो यहां से हम चूज भी कर सकते हैं। जैसे यहां पे अगर आप देखें, इस तरह से आप एक से अधिक ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। डिजाइन मोड को हम ऑफ करते हैं। यहां पे हमारा जो 10th है इस, ये थोड़ा जो है ज्यादा आगे है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुनः इसको जो है थोड़ा सा इधर कर देते हैं। दोस्तों आज आपने सीखा, यहां पे फार मेनू में हमने आपको रिवीजन भी कराया, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन और कॉम्बो बॉक्स हमने अभी आपको नहीं बताया है, ना ही लिस्ट बॉक्स बताया है जो कि हम अगले ट्यूटोरियल में बताएंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम आपको लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स, साथ ही साथ पुश बटन और इमेज बटन भी बनाना बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।